नमस्कार। अब हम लोग ऑर्थोपेडिक्स के एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप के बारे में। ये डीडीएच की प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप भी कहा जाता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप। यहां पर हम देख सकते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप की कंडीशन को, नॉर्मल कंडीशन जिसमें स्टेबुलम का जो कर्व है, कप लाइक कर्व, ये यहां पर प्रेजेंट है, और फीमर का हेड भी प्रॉपरली ऑसिफाइड है। अगर इन दोनों ही प्रॉब्लम को देखा जाए तो इसी से संबंधित है डीडीएच की प्रॉब्लम। आप यहां पर देख सकते हैं फीमोरल हेड अगर प्रॉपरली ऑसिफाई ना हो या फिर एस्टेबुलम प्रॉपर कर्व ना बना पाए तो ये समस्या डेवलप होता है। जितना ही ज्यादा इस तरीके की दिक्कत होगी उतनी ही ज्यादा सीवियर डीडीएच होगा। इस बात को हम एक और इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर ये नॉर्मल कंडीशन है, ये सबलक्सेशन है और यहां पर पूरी तरीके से डिसलोकेट हो गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर कर्व नहीं बन पाने की वजह से या फिर फीमोरल हेड का ऑसिफिकेशन ना हो पाने की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होता है, जिसे डीडीएच कहते हैं। डीडीएच स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर लैक्सिटी ऑफ हिप कैप्सूल, जिसमें फीमोरल हेड एस्टेबुलम के बीच में रहना उसको पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसका कारण अभी हम आगे देखेंगे। इस दौरान हो सकता है कि फ्यूमोरल हेड पार्शियली डिस्प्लेस हो जाए, सबलक्सेटेड हो जाए या फिर फुल्ली डिस्प्लेस्ड हो जाए, डिसलोकेटेड हो जाए एस्टेबुलम से। और ऐसा हुआ क्यों उसको भी समझना जरूरी है। ऐसा फ्यूमोरल हेड के प्रॉपर डेवलपमेंट न हो पाने की वजह से या फिर एस्टेबुलम का जो कर्व जितना बनना चाहिए उतना कर्व नहीं बन पाया तो इसके कारण डीडीएच डेवलप होता है। ये प्रॉब्लम फर्स्ट बॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है। यह फीमेल चाइल्ड से ज्यादा एसोसिएटेड है और इसमें आप देखेंगे जो भी हिप का ज्वाइंट है, जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट ज्वाइंट है, स्ट्रांग आर्टिकुलेशन होता है, अगर वो सब लैक्सेट हो जाए तो ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चों में साइन और सिम्टम्स को देखने का जब प्रयास किया जाता है तो आप देख पाएंगे एसिमेट्री होती है ग्लूटियल और फीमर रीजन में। आप देखेंगे यहां एसिमेट्री होती है, हिप क्लिक्स, एक स्पेशल क्लिक साउंड्स जब लिम्स के मूवमेंट होते हैं बच्चों में तो साउंड सुनाई देती है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है। और आप देखेंगे कि बच्चों में, इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रंस में सिम्टम्स कोई बहुत खास नहीं होता है, लेकिन एडोलेसेंट एज ग्रुप में या फिर यंग एडल्ट्स में पेन सबसे ज्यादा होता है। अगर इस प्रॉब्लम को समय से ठीक न किया जाए तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस करा सकता है बड़े बच्चों में। तो इसलिए इसके बारे में जब बात करते हैं एडल्ट्स के लिए तो नॉर्मल जो बचपन से चलता आ रहा है टर्निंग या पोजिशनिंग ऑफ लेग एबनॉर्मली यहां पर देखने को मिलेगी। यंग एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इमोबिलिटी इन फुल्ली डिस्प्लेस्ड आर पार्शियली सबलेक्स्ड हिप, यानी लिम का मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। फुल्ली डिसलोकेटेड अगर हिप है तो यहां पर वो छोटा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हेड एस्टेबुलम में नहीं है, थोड़ा पीछे खिसक गया है तो इसके कारण ये लेग शॉर्टर नजर आएगा। और लगातार यहां पर फ्रिक्शन होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। तो जब हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ये इडियोपैथिक है, इसके बावजूद बहुत सारे कॉजेस के साथ एसोसिएटेड होता है। मैंने आपको बताया फीमोरल हेड छोटे साइज का हो जाता है, आप इस इमेज में इमेजिन करें, क्योंकि ऑसिफिकेशन नहीं हो पाया है या फिर एस्टेबुलम का जो कर्व बनना चाहिए वो भी कर्व नहीं हो पाया है तो उसके कारण ये चीजें दिक्कत होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम लेकर के पर्सन
बर्थ के समय पर आए, आगे इसके कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं और इसका एसोसिएशन किसके साथ है, फीमोरल हेड और एस्टाबुलम के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फीमोरल हेड ऑसिफाई ना हो पाए या फिर एस्टाबुलम का कर्व कप के जैसा ना हो पाए तो ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। कॉजेस के बारे में आप जान लें, मैंने आपको बताया इडियोपैथिक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम एफ का कोड बनाएंगे जिसके आधार पर इसको रटने का प्रयास करेंगे कि आमतौर पर किन लोगों में देखने को मिला है। तो ये फर्स्ट बॉर्न, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फीमेल चाइल्ड, फीटल माल प्रेजेंटेशन, मैल प्रेजेंटेशन जो भी आप कह लें, फीटल मैल प्रेजेंटेशन या माल प्रेजेंटेशन, ब्रीच और ऑलिगोहाइड्रोमनियास के साथ इसका एसोसिएशन देखा गया है। और ये 30% केसेस में अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उस दौरान बायलैटरली प्रेजेंट करेगा, तो 30% लोगों में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है और बायलैटरल प्रेजेंटेशन होता है। तो कितने एफ पढ़े, फर्स्ट बॉर्न, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फीमेल चाइल्ड, फीटल मैल प्रेजेंटेशन, फैमिली हिस्ट्री। चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि एक्सरे की स्टडी के दौरान ये कैसा दिखेगा। यहां पर एपी व्यू में एक्सरे को दिखाने का प्रयास किया गया है, आप देख पाएंगे नॉर्मल डीडीएच के एक्सरे को देखते समय हम कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। पॉइंट नंबर वन, यहां पर हम पॉइंट नंबर वन को दिखाते हैं फिर उसके बारे में बताएंगे। यहां पर देखिए पॉइंट नंबर वन है एस्टाबुलर रूफ एंगल, तो ये पॉइंट नंबर वन आपको दिखाया गया है, ये एस्टाबुलर रूफ एंगल है। यहां पर एक एंगल बन रहा है, उस एस्टाबुलर रूफ एंगल को आप देखें, ये नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में ये कितना होना चाहिए, लेस देन 30 डिग्री नॉर्मल पेशेंट में, एस्टाबुलर रूफ एंगल। यहां पर हम देख सकते हैं हिलगेन रीनर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ट्राई रेडिएट कार्टिलेज ऑफ एस्टाबुलम से होकर के गुजरता है। तो इस इमेज में उस चीज को हम यहां पर बेहतर तरीके से देख पाएंगे। मैंने पिछले इमेज में दिखाया था यहां पर एस्टाबुलर एंगल, जिसको मैंने बताया था ये एस्टाबुलर एंगल आप यहां पर मेंशन किए हैं, जिसकी वैल्यू नॉर्मल पर्सन में लेस देन 30 डिग्री होनी चाहिए। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ट्राई रेडिएट कार्टिलेज को मिलाती हुई खींची गई है, इसको हिलगेन रीनर लाइन या फिर हिलगेन रीनर लाइंस आप कह सकते हैं। यहां पर ट्राई रेडिएट कार्टिलेज का मतलब समझिए वो कार्टिकल फ्यूजन, कार्टिलेजनस फ्यूजन जोन, जहां पर इलियम, इस्ट्रियम और प्यूबिस के पार्ट्स आकर के ज्वाइन करते हैं, वो है ट्राई रेडिएट कार्टिलेज। और दोनों ही साइड के ट्राई रेडिएट कार्टिलेज को मिलाती हुई लाइन जो खींची गई है वो हिलगेन रीनर लाइन कहलाती है। इसके अलावा कुछ और लाइंस के बारे में पढ़ लें, यहां पर शेंटन्स कर्व होता है, शेंटन्स कर्व आप देख सकते हैं, शेंटन्स कर्व एक स्मूथ कर्व यहां पर देखने को मिल रहा है, इसको भी समझ लें। ये स्मूथ कर्व लाइन जो कि कनेक्ट करता है मिडियल बॉर्डर ऑफ फीमोरल मेटाफाइसिस विद सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, तो यहां पर देखिए ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का सुपीरियर बॉर्डर है और ये मिडियल बॉर्डर ऑफ फीमोरल मेटाफाइसिस, इसके बीच में एक स्मूथ कर्व लाइन बनती है जिसे हम शेंटन्स लाइन कहते हैं। एक्सरे को देखते समय कुछ खास किस्म के लाइंस का प्रेजेंटेशन या इमेजिनेशन हमें पता होना चाहिए। देखिए यहां पर शेंटन लाइंस को, शेंटन्स लाइन को यहां पर दिखाया गया है, ये इलियोस्ट्रियल लाइन है, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है, ये सैक्रल आर्कुएट लाइन है, आप यहां पर देख सकते हैं शेंटन्स लाइन के प्रेजेंटेशन को, थोड़ा जूम किया गया है ताकि आप सैक्रल आर्कुएट लाइंस को देख सकें, इलियोपेक्टिनियल लाइंस को देख सकें, इलियोस्ट्रियल लाइंस को देख सकें और यहां पर शेंटन्स लाइन को आप देख सकें। इस रिप्रेजेंटेशन में दिखाने का प्रयास किया गया है शेंटन लाइन कैसा होना चाहिए। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में यह है, सबलेक्सेशन अगर कम है तो ये नॉर्मल या नियरली नॉर्मल आपको नजर आ सकता है, लेकिन
अगर ये ब्रोकन हो जाए तो आप समझ सकते हैं प्रॉपरली ये बहुत ही ज्यादा डिसलोकेट हो गया है। तो आप यहाँ पर शिंटन लाइन नॉर्मल देख पा रहे हैं और यहाँ पर डिसलोकेटेड है। इसके अलावा एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसे हम परकिंस लाइन कहते हैं। तो आप यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 4 जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये है परकिंस लाइन। परकिंस लाइन क्या है इसको यहां पर हम बेहतर तरीके से आपको दिखा पाएंगे। परकिंस लाइन जो कि हिलगेन रेनर्स लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ये नाम जो भी है हिलगेन रेनर्स लाइन उसके परपेंडिकुलर परकिंस लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है इस बात को भी यहां पर देखें। एसिटाबुलर जो रूफ है उसके लेटरली ये लाइन ड्रॉ किया गया है। लेटरल मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ एसिटाबुलर रूफ को ध्यान में रखते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है जो कि परपेंडिकुलरली हिलगेन रेनर्स लाइन के साथ ड्रॉ की गई है। यहां पर आप देखें ये 90 डिग्री पर ड्रॉ की गई है। यहां पर जब इस तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन आप देख सकते हैं और यहां पर ये है डीडीएच का सिचुएशन। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है आप देखिए ये एक तरीके से क्वाड्रेंट के रूप में डिवाइड हो गया है जिसमें ये जो पार्ट है जिसको मैं इस लोअर क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं इसको हम फीमोरल हेड को डिफाइन करने के लिए बताते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अपर मोस्ट फीमोरल एपिफाइसिस ये इन्फ्रोमीडियल क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इन्फ्रोमीडियल क्वाड्रेंट में फीमोरल एपिफाइसिस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिलगेन रेनर्स लाइन और परकिंस लाइन के मीडियली होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं परकिंस लाइन और हिलगेन रेनर्स लाइन के मीडियली ये लोकेटेड होना चाहिए इन्फ्रोमीडियल क्वाड्रेंट में। यहां पर डीडीएच की सिचुएशन आप देख सकते हैं पोजीशन बदल गई है। ये क्या फीमोरल एपिफाइसिस इस क्वाड्रेंट में है? नहीं है। तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं। इसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से प्रोनंसिएट किया जाता है। तो यहां पर हिलगेन रेनर्स लाइन या फिर अलग अलग देशों का जब आप देखेंगे तो अलग अलग इसका प्रोनंसिएशन है। तो चलिए जितनी भी बातों को हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। एक्सरे जो मार्किंग लाइंस हैं उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमने दो मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली ड्रॉ किया और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया था वो दोनों ट्राइरेडिएट कार्टिलेज को मिलाते हुए ड्रॉ किया गया था जिसको हिलगेन रेनर्स लाइन कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया था वो एस्टाबुलर हेड के लेटरल मार्जिन से ड्रॉ किया गया था। तो उस बात को यहां पर मैं एक सिंप्लीफाइड वे में यहां पर ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर बहुत बेहतर तरीके से नहीं, बस आप ये समझ लें एस्टाबुलर हेड यहां पर अभी आएगा तो उसके बाद उसका जो लेटरल मार्जिन है उसको ध्यान में रखते हुए दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। एक साइड में देखेंगे तो एक हर एक साइड में एक एक ड्रॉ किया गया है जिसको हम परकिंस लाइन कहते हैं। तो इस लाइन को हम लेटरल मार्जिन ऑफ एस्टाबुलम से ड्रॉ किए हैं जिसे परकिंस लाइन कहते हैं। इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है हमने इसके बारे में भी बताया कि यहां पर डिसलोकेटेड जो फ्यूमोरल हेड होगा या फीमोरल एपिफिशियल रीजन होता है वो इन्फ्रोमीडियल क्वाड्रेंट में होना चाहिए। लेकिन डिसलोकेटेड हेड हमेशा जब भी प्रेजेंट होता है वो अपर और आउटर क्वाड्रेंट में होता है। तो इस बात को मैंने इमेज के माध्यम से दिखाया था। फीमोरल हेड के डिस्प्लेसिया को नॉर्मल साइड से जब हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर नॉर्मल साइड और एबनॉर्मल साइट के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो एस्टाबुलर इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम एचजी लाइन और एस्टाबुलर सरफेस के बीच में एंगल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल इन जनरल आप याद रखिएगा 30 डिग्री से कम होना चाहिए। न्यूबॉर्न में सबसे ज्यादा होता है तो 27 डिग्री के आसपास होता है। 6 मंथ के बच्चों में कम 2 ईयर्स तक जाते जाते 20 डिग्री तक हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं एस्टाबुलर सरफेस और एच
झील लाइन के बीच में बनाया गया एंगल एस्टाबुलर इंडेक्स कहलाता है। आप यहां पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू, ये नॉर्मल कंडीशन में, और यहां पर आप एबनॉर्मल कंडीशन में देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल साइड जहां 25 डिग्री के आसपास है और ये 33 डिग्री के आसपास ये एंगल हो जाता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि एस्टाबुलर डिस्प्लेसिया होने की वजह से ये सरफेस थोड़ा सा ज्यादा एंगल बना देता है। तो आप देख सकते हैं ये हुआ क्यों, क्योंकि एस्टाबुलर डिस्प्लेसिया हुआ है। तो चलिए उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। एस्टाबुलर इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम उसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए हमने एचजी लाइन और एस्टाबुलर मार्जिन के बीच में एंगल बनाया और ये एंगल 30 डिग्री से कम होना चाहिए, ये बात मैंने आपके साथ शेयर किया। यहां पर एचजी लाइन या हिल्जेन-रेनर लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से होते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, या यूं कह लें कि एस्टाबुलर जो भी मार्जिन है उसके साथ, या यूं कह लें ट्राई रेडिएट कार्टिलेज के लेटरल साइड से हम उसको लेटरल मार्जिन से हम ड्रॉ करते हैं। तो क्लियर कट बात यह है कि एचजी लाइन है और एस्टाबुलम का लेटरल मार्जिन है, तो एक एंगल बन ही जाएगा और ये एंगल क्या कहलाता है, एस्टाबुलर इंडेक्स। और इसकी जो भी वैल्यू हिल्जेन-रेनर लाइन से इसकी देखी गई है उसे हम एस्टाबुलर इंडेक्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री से कम होना चाहिए। जब ये बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं एस्टाबुलर डिस्प्लेसिया के दौरान आप देखेंगे ये इंडेक्स बढ़ जाता है। मैंने इस चीज को आपको इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। एस्टाबुलर डिस्प्लेसिया होने पर क्या होगा, इस बात को अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखिएगा, एंगल इंक्रीज कर जाते हैं। इस दौरान कोई ट्रॉमा नहीं होगा, मदर जब आपके पास आएंगे तो वो सिंपल सा प्रेजेंटेशन लेकर के आती हैं कि बच्चे का एसिमेट्रिकल ग्रोइन फोल्ड है। यहां पर हम देख सकते हैं बच्चे का जो ग्रोइन का फोल्ड है वो एसिमेट्रिकल है। इस तरीके का मदर कंप्लेन लेकर के आती हैं, जो कि आप समझ सकते हैं हिप के डिसलोकेशन के बारे में आइडिया दे रहा है। इसके अलावा फ्रंट से देखने पर लिम्ब की लेंथ अनइक्वल होती है, उसके बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस बच्चे के दोनों ही लिम्ब्स की लेंथ अनइक्वल होने की वजह से एक लेवल पर नहीं नजर आएंगी। ये देखिए थोड़ा सा कम रह गया है। ऐसा हुआ क्यों, ये डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप की वजह से हुआ है। तो पीछे से देखेंगे तो एबनॉर्मल ग्रोइन का फोल्ड, आगे से देखेंगे तो लिम्ब के लेंथ में डिस्क्रिपेंसी है, अनइक्वल लिम्ब लेंथ है। इस तरीके की सिम्टम्स के साथ मदर आती हैं और आप देखेंगे एडल्ट लेवल तक अगर पहुंच जाता है तो स्पेशल गेट, ट्रेंडेलनबर्ग गेट के साथ प्रेजेंट करता है। तो यहां पर जब वॉकिंग चाइल्ड या एडल्ट्स पहुंचते हैं तो ये एक खास गेट जिसे हम ट्रेंडेलनबर्ग गेट कहते हैं उसके साथ आते हैं। इस इमेज में हम एक लेडी के नॉर्मल और ट्रेंडेलनबर्ग गेट की कंडीशन को कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर एक और इमेज में हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रेंडेलनबर्ग गेट के कंडीशन में होता क्या है, यहां पर हेमी पेल्विस ड्रॉप की कंडीशन देखने को मिलती है। इस तरीके से यंग एडल्ट या फिर वॉकिंग चाइल्ड आए तो आप समझ सकते हैं ये डीडीएच का मामला हो सकता है, ट्रेंडेलनबर्ग गेट के साथ अगर बच्चा आ रहा है। तो यहां पर डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, क्लिनिकली कैसे हम टेस्टिंग करेंगे, तो टेलीस्कोपिक फाइंडिंग पॉजिटिव होती है। और मैंने आपको बताया है मेडिकल प्रैक्टिस में अगर कोई भी चीज पॉजिटिव होती है तो अच्छी नहीं होती है, यानी यहां प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। और शुरुआती एज में
अगर मान लीजिए मदर ने कहा कि ग्रोइन फोल्ड अनइक्वल हैं या एसिमेट्रिकल हैं, तो ऐसे मामलों को फर्स्ट 6 मंथ में चेक करने के लिए हमारे पास एक्सरे की बजाय अल्ट्रासाउंड का मेथड होता है, क्योंकि एक्सरे को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ऑसिफिकेशन हो नहीं पाता है, तो कंफर्म नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। इसमें बार्लो टेस्ट, आर्टोलानी टेस्ट, ये बड़े ही खास हैं, तो उनको भी समझना होगा कि डॉक्टर्स इन टेस्टिंग की मदद से भी हिप डिसलोकेशिया की कंडीशन को बता सकते हैं। तो 2 टेस्ट, बार्लो टेस्ट और आर्टोलानी टेस्ट, तो अभी इन टेस्ट के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बार्लो टेस्ट में हम हिप को और डिसलोकेट कर देते हैं, बार्लो मीन्स बेकार। आर्टोलानी टेस्ट मीन्स आप समझ सकते हैं आर्थोपेडिक टेस्ट, आर्थोपेडिक टेस्ट है, ओ से आर्थोपेडिक, ओ से आर्टोलानी। आर्टोलानी टेस्ट में हम हिप को रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर एक कार्टून के माध्यम से इन दोनों ही टेस्ट को हम जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर यह है मिस्टर बार्लो, बार्लो टेस्ट, जो कि एक तरीके से गड़बड़ टेस्ट होगा। देखिए ये बोल रहा है कि इसने डिसलोकेशन कर दिया है, डॉक्टर ओ को बुलाइए, डॉक्टर आर्टोलानी को बुलाइए। तो ये है क्या, इस डॉक्टर ने किया क्या, बार्लो ने किया क्या, इस चीज को हम कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर देखिए बच्चा रो भी रहा है, इस बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिए, बच्चा रो रहा है क्योंकि एग्जामिनर ने लिम को एडक्ट किया, जिसके कारण पोस्टीरियरली पीछे की ओर एक फोर्स लगा, जिसके कारण डिसलोकेशन और ज्यादा हो गया। तो बार्लो टेस्ट में डिसलोकेशन और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम पीछे की ओर हम फोर्स अप्लाई करते हैं नी पर, जिसके कारण डिसलोकेशन और ज्यादा हो जाता है, बच्चा रोने लगता है। ये टेस्ट है बार्लो टेस्ट। और जब इससे अलग आर्टोलानी टेस्ट हम करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए डॉक्टर जेंटलमैन जैसे दिख रहे हैं, डॉक्टर ओ बड़े ही जेंटलमैन हैं, और ये इसको वापस उस ओरिजिनल पोजीशन में ला देते हैं। तो देखिए यहां पर कार्टून भी कह रहा है ब्रेवो, मतलब ये काफी खुश हैं, बच्चा भी खुश होता है इस टेस्ट के बाद, क्योंकि ये देखिए बच्चे की कंडीशन, क्योंकि एग्जामिनर ने उससे उल्टा काम किया है। पहले उन्होंने क्या किया था, एडक्ट किया था, पोस्टीरियर फोर्स लगाया था, अब उल्टा करेंगे, यहां पर एंटीरियर फोर्स लगाते हैं और एबीडक्शन कराते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, ये फीमर का हेड अपने प्रॉपर पोजीशन पर आ जाता है। तो एग्जामिनर एबीडक्शन कराता है हिप को, हिप पर, और ये एंटीरियर फोर्स अप्लाई करता है फीमर पर, ताकि ये हिप जॉइंट्स को रिड्यूस कर दे और नॉर्मल कंडीशन जैसा, मींस नॉर्मल सिचुएशन जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं बार्लो और आर्टोलानी टेस्ट के बारे में। यहां पर दोनों ही टेस्ट एक दूसरे से अपोजिट हैं। मैंने बताया बार्लो बेकार, आर्टोलानी आर्थोपेडिशियन का टेस्ट जिसमें बच्चे को नॉर्मल कंडीशन में लाने का प्रयास किया जाता है, बार्लो में कंडीशन को और ज्यादा खराब कर दिया जाता है। इसलिए वहां पर हमने एक माउस का इमेज देखा जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि कब बच्चा ज्यादा ठीक है, कब बच्चा गड़बड़ है। तो बार्लो टेस्ट में हमने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने डिसलोकेट कर दिया और यहां हम लोगों ने हिप को रिड्यूस किया, तो इसके कारण एक क्लिक की साउंड सुनाई देती है और बच्चे की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो आप देखेंगे डिसलोकेशन होगा और हिप को रिड्यूस करते समय एक क्लिक की साउंड सुनाई दी, बेकार सा टेस्ट है, बच्चे को तकलीफ होती है। आर्टोलानी टेस्ट में इसका जस्ट अपोजिट होगा, हम जो भी कंडीशन थी उसको रिवर्स करने का प्रयास करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में किए जाते हैं, जब एक्सरे नहीं किया जा सकता तब इस तरीके के टेस्ट करके हम जांच करने का प्रयास करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा उसको देख लें। यहां पर ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो शुरुआती 6 मंथ के लाइफ में एबडक्शन हम कराएंगे, जो कि डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर आर्टोलानी ने किया था। 6 मंथ से पहले हम एबडक्शन कराएंगे,
एविडक्शन आर्थोसिस या स्प्लिंट लगाते हैं तो बच्चा एविडक्शन की कंडीशन में रहे, इसके लिए आप देखिए यहां पर एविडक्शन को हम कराएंगे तो ये बड़ी ही अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। आप यहां पर देखिए ये बच्चा एबडक्टेड पोजीशन में है और यहां वॉन रोजन स्प्लिंट का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से कई और स्प्लिंट डिजाइन किए गए जैसे पैल्विक हार्नेस स्प्लिंट। ये स्प्लिंट देखिए ना एबडक्शन को कराएंगे जिसके कारण फीमर का हेड एस्टाबुलम में प्रॉपर जाकर के पड़ा रहेगा, तो इसीलिए हम इस काम को प्रमोट करा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कंडीशन ठीक हो, तो जिसे हम एबडक्शन ऑर्थोसिस कहते हैं। याद रखिएगा भारतीय माहौल में आप देखते होंगे मदर अपने कमर पर बच्चों को इसी तरीके से लगभग एबडक्टेड पोजीशन पर पैरों को सेट करके अपनी कमर पर बच्चों को ले लेती हैं। इस पोजीशन को देखें तो आप शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इंडियन मदर्स की जो कंडीशन होती है उसमें नेचुरल एबडक्शन होता है, उसके लिए किसी तरीके की स्प्लिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भारत में यही कारण है यहां डीडीएच की प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि नेचुरल तरीके अपना करके कहीं ना कहीं मदर इस कंडीशन को दूर कर देती हैं। तो हमें याद रखना है पैल्विक हार्नेस स्प्लिंट के बारे में, वॉन रोजन स्प्लिंट के बारे में जिसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। काम क्या था, एबडक्शन करा रहे थे और लेग को एक्सटर्नली वो रोटेट करके रखते हैं तो आप इस वजह से इम्प्रूवमेंट होते हुए देखते हैं। सिक्स मंथ से लेकर के 3 ईयर्स तक के बच्चों में क्लोज या ओपन रिडक्शन कर सकते हैं या फिर इसके अलावा हम स्पाइका प्लास्टर लगाते हैं तो आप देखेंगे इस उम्र तक आते आते अब स्टेबुलम उतना सॉफ्ट नहीं है, वहां पर फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं इसलिए ज्वाइंट्स को ओपन करना पड़ता है और इस दौरान आप चाहें तो क्लोज या ओपन रिडक्शन कर सकते हैं और पाइका प्लास्टर लगाना पड़ता है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाने पर ज्यादा उम्र में ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप स्प्लिंट लगा करके इसके कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जब 3 ईयर से 10 ईयर्स तक के एज ग्रुप की बात हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एस्टाबुलम को कर्व करने के लिए, अब हमें ऑस्टियोटॉमी करना पड़ता है। तो अब हम ऑस्टियोटॉमी कब करते हैं, 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर दैट क्या करते हैं ऑस्टियोटॉमी। इसके कई अलग अलग तरीके हैं, यहां पर ऑस्टियोटॉमी के कई अलग अलग नाम हैं, पेम्बर्टन है, शॉल्टर है और सबके अपने अपने तरीके हैं, मेथड्स हैं, कौन कहां से ऑस्टियोटॉमी करके उस कर्व को बनाने का प्रयास करते हैं उसको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इनके नाम याद रखने हैं। इसी तरीके से पेल्विक ऑस्टियोटॉमी में स्टील का भी नाम आता है, तो ये सारे तरीके 3 ईयर्स के बाद अप्लाई करने पड़ते हैं क्योंकि यहां पर एस्टाबुलम का कर्व बनाने के लिए एस्टाबुलर ऑस्टियोटॉमी करना पड़ता है। और नाम मैंने आपको बता दिया है शॉल्टर, पेम्बर्टन और इस तरीके के नाम आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल की जाने वाली ऑस्टियोटॉमी है शॉल्टर ऑस्टियोटॉमी, पेम्बर्टन्स ऑस्टियोटॉमी भी है और इसके अलावा मैंने स्टील ऑस्टियोटॉमी के बारे में आपको बताया, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस उम्र में क्या करना पड़ता है, कब हम स्प्लिंट लगा सकते हैं, कब हम सिंपल हम ज्वाइंट को ही ओपन करके रिड्यूस कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। 3 ईयर्स के बाद ऑस्टियोटॉमी जिसके डिफरेंट नेम्स हमारी जानकारी में होना चाहिए, एटलीस्ट शॉल्टर ऑस्टियोटॉमी पता होना चाहिए। आप देखेंगे 10 ईयर्स के बाद एस्टाबुलर नेक्रोसिस हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसिया की वजह से एस्टाबुलम तक बहुत बेहतर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए ज्यादा उम्र में जब आप देखेंगे ये कंडीशन तो वहां पर टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही एकमात्र ऑप्शन बच जाता है अगर एवैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है तो।